ये देख लो होगा फोटो शूट देख लो कोई बात नहीं दाग अच्छे गाड़ी तो हो रही ठंडी पर मम्मी हो रही है गर्म कि लेट हो रहे लेट हो रहे ये देख लो होगा फोटो शूट देख लो क्या कर दिया उसने से नहीं कॉल की ये देखो क्या मैं पार्टी में कि कराऊंगा तुम्हारा फोटो शूट रुक जाओगी कोई बात नहीं दाग अच्छे सब भाई यहाँ पर देख लो इनका चल रहा है फोटो शूट और अभी हम सब ऑलमोस्ट रेडी हैं बस मम्मी का वेट कर रहे हैं मम्मी गई हुई थी उज्जैन तो मम्मी का फ़ोन आया था साथ चलने के लिए तो मम्मी का वेट कर रहे हैं मम्मी आएगी उसके बाद फिर हम भी निकल जाएंगे भाई यहाँ से इतने हमने कहा चलो अपने दो चार जो काम हैं उन्हें निपटा लेते हैं भाई चल के हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग तो भाई आपका भाई गौरव बेड़ा फिर एक बार आपके सामने आता है एक नए ब्लॉग के साथ में तो भाई अपना आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं आज हम जा रहे हैं अपनी बड़ी वाली सिस्टर के यहाँ पर उनके बेटे का बर्थडे है और जागरण भी है तो वहीं चलते हैं आज और उसको इन्जॉय करते हैं पूरी फैमिली जा रहे साथ में अभी ये देख लो इनके भैया अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था ना इनकी ड्रेस पे पूरे फेविकॉल गिर गया पर इनके होश नहीं आ रहा बिल्कुल भी है तेल नहीं आ रहा था रहा कतई भी कि रुक जाऊँ इतनी फेविकॉल गिर गई ड्रेस पे तो भाई सब रेडी हो चुके हैं लो हमें भी दिखा दो भाई हमें भी हम कैसे लग रहे ठीक लग रहे हो तो भाई चलो फाइनली सब रेडी है मम्मी और एकांत ऑलरेडी गार्डन बैठे हुए मम्मी गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं भाई जो बात है मेरे जाने का मंदिर शनि मंदिर जाना होता है और दूसरा फिर मैं नहाया वहा आके तो उसमें भाई लग गया मेरे को टाइम तो चलते हैं फटाफट गार्डन बैठते हैं यहाँ पर भाई अपनी गाड़ी खड़ी है ठंडी करने के लिए गाड़ी तो हो रही ठंडी पर मम्मी हो रही है गर्म कि लेट हो रहे लेट हो रहे लेट हो रहे लो भाई हमने तो हमारा गाड़ी खड़ी करी थी मैंने कहा ठंडी हो जाएगी पर मम्मी गर्म हो रही है बताओ टाइम ना हो रहा 9 बजे तक जा रहे हैं चलो भाई अपना निकलते हैं और बस ज्यादा कुछ नहीं लेट हो रहे हैं पहले ही और ये अपना एकांत बताओ क्या बता रहे थे आप अभी आप मेरे को रास्ता बताओगे चलने का अच्छा जी ये देख लो वो कह रहा है ना आजकल के बालक हमें रास्ता दिखा रहे तो ये बेटा ना आप ही है ना ऐसे दिखाएंगे ना हम सुबह से दिमाग खराब कर रखा ना मानेगा धुआं भी करो गुद्दी लाल मम्मी मो तो पूछ रहे कौन वो बड़ी पता पता सारी का सारी सही सही से ले आम खाने के शौक ना है भाई भाई साहब गाड़ी में इतनी शांति है ना देखो ये छोटा सो रहा है तो अब भाई 2 किलो तन लग रहे हैं 2 किलो ये 60 वाले हाँ दे 60 वाले एक दर्जन है दो दर्जन कर दे दो कर दे हेलो हेलो हाँ जी कहाँ रहेगी बनाने 20 मिनट पहुँच रहे हैं 15-20 मिनट पहुँच रहे हैं ओहो आ जाओ केक तो कटेगा तो भाई अब तो दीदी और के फोन आ रहे हैं फटाफट पहुँचते हैं और जैसे कि आपने सुना केक तो खैर कट गया पर अपना पहुँचते हैं जल्दी पहुँचने से पहले जानू की ही तबीयत खराब हो गई भाई इसके हो रहा है पेट में दर्द काफ़ी ज़्यादा तो यहीं पे एक छोटा सा हॉस्पिटल है इधर ही आपको दिखाता हूँ मैं और वहीं पे मैंने कहा चलो यार तेरे को दवाई दिला देता हूँ तो एक बार भाई चेक कराता हूँ यही हॉस्पिटल में ले जा कर के क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं मे भी शायद गैस वैस बन रही है इसको क्योंकि पेट में दर्द बता रहा तो बच्चों को तो शायद गैस का ही दर्द हो सकता है भाई साहब तो भाई पहुँच गए हैं बहन के घर पर हो गए हैं थोड़ा सा लेट चुके केक वगैरह तो घर कट चुका है बट जो बच्चे के लिए लाए मैंने दे दिया मैंने कि लो कोई बात ना करो लेट तो हो गए यहाँ देख लो मैडम ने जाते ही प्लेट घाल दी है पूरी है
ना मान देखो। ये पर्सनली फोन करके बोलता है गोली मामा का व्लॉग आया है। आप अपने आप को टीवी में देखते हो ना, मामा जी का व्लॉग देखते हो ना सारा, तो आप अब अपने आप को देखोगे। बताओ क्या बोलना है आपको, आपके मामा जी कैसा व्लॉग बनाते हैं? अच्छा। तो यहाँ पर भाई जागरण हो चुका है शुरू, तब हमने भी अपने हाथ में लगा देकर और बाबा के पास जाकर के हमने मत्थर टेका और बस उसी के साथ ही आप सब भी लिख दो जय बाबा मोहन राम की। बोलो मोहन राम बाबा की जय। ऐसी की फीलिंग ले रहे स्विट्जरलैंड पहुंच रहे नाच भी कर रहे हैं। हमारे देखो सागर नागर जी ये देख ये 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 रुका कौन नहीं भाई डरागा भाई जो डरा देवर सूट होगा होगा नमस्ते। हाँ तो प्रिया लगा कि तू अच्छा और कौन है भाई गुरु तो भाई आए तो घर यहाँ पर हम मत्थर उत्थर टेकने के लिए थे, पर दीदी और ने रोक लिया कि यहाँ पर आए हो तो नाच के जाओ जोड़ से और हाजिरी लगाओ बाबा के दरबार में नाच करके। तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा नाच करके हाजिरी लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कह रहा था वो? मैं। आप कह रहे थे पार्टी में आपने खाना नहीं खाया, झूठ बोलते हो। आपकी बुआ ने उधर इतनी बढ़िया पार्टी रख रखी थी, आपने कुछ खाना नहीं खाया? अच्छा बहुत तेज लग रही है। पूछना किस चीज की भूख लगी है? किस चीज की भूख लग रही है आपको? अरे यार वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो, सबको पता चल जाएगा। ऐसी गुड्डू मत हो गई। अच्छा लो बंद कर दी मैंने, बस आप बताओ लो क्या खाना है आपको? मैं अरे बंद कर दी। अरे उसमें से हवा आ रही है, फैन चल रहा है, बहुत चालू है। ये मैंने ऐसे कर रखा है इधर की तरफ को ताकि हवा आती रहे मेरे तो पास। धीरे धीरे मेरी सारी सारी अरे सत्य में देखो नहीं ये बंद है। अब तो घर भी पहुंचने वाले। अच्छा ये बताओ दुकान में दुकान में बैठ के खाए या फिर गाड़ी में खा ले? गाड़ी में ही खा ले। क्या खाना है बताओ? फ्राइज खाने। ओहो भाई इसके फेवरेट तो ऑलवेज फ्रेंच फ्राइज। और पसंद नहीं है भाई इसको, सिर्फ और सिर्फ इसको फ्रेंच फ्राइज पसंद है। अच्छा कोल्ड ड्रिंक भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बस और तो कुछ नहीं, सोच लो पिज्जा नहीं। चलो भाई के लिए कुछ ढूंढता हूँ, एक बज रहा है टाइम, बैठता हूँ
बट देखते चलो नोएडा वेडा साइड में अगर कुछ मिलेगा, क्योंकि हम इसके लिए इसीलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमें पता है अगर हमने अपने मालिक को खाना नहीं खिलाया तो घर जाके मैं तो घर जाके ये नहीं है कि हम इसको डांटेंगे पिटाई करेंगे शांत ये शांत नहीं होने वाला है ना एकांश खोल दो भाई खोल दो। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं घर पर और भाई अपना एकांश को फ्रेंच फ्राइज कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक दिला दिलो के और अब यहाँ पे सुना बाबूजी भाई बाबूजी सो चुके हैं और अब हम करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। पर हाँ भाई लेडीज डिपार्टमेंट के लिए अलग ब्लॉग डल चुका है तो वो भी जा करके देख लो एकांश जानू डेटा वाली आई डी पे जो कि है बेबी का चैनल। तो सभी लोग जाओ उस पर और जाकर उसको पहले तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन ऑन कर लेना ताकि आगे अगर एक आधा ब्लॉग आ जाए लेडी डिपार्टमेंट का वो सारे आपको मिलते रहें। मेरे पास बहुत सारे वो आते थे भैया हमारे थोड़े कम शॉट आते हैं ये वो तो उसमें भाई भरपूर आएंगे ठीक है जी। तो उस वाले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना और बस कर देते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। और भैया जाने से पहले इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ठीक है जी। तो लाइक कमेंट की कोई कमी मत छोड़ना भैया। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर राम राम जी।